नमस्ते दोस्तों, एक बार एक रुग्ण मेरे क्लिनिक में आया था और वो मुझे बता रहा था कि उसके परिवार में 5 लोग रहते हैं। सब लोग सेम प्रकार का भोजन करते हैं, उसके बावजूद भी बाकी के 4 लोगों को कोई भी प्रकार की पेट की समस्या नहीं होती, लेकिन केवल उसको ही पेट में ज़्यादा मात्रा में गैस हो जाता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, पेट में अगर गैस होता है तो उसके लिए कारण आपका खाना नहीं है, उसके लिए कारण आपकी पाचन शक्ति है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत खाने के बाद पेट फूल जाता होगा, पेट भरा हुआ जैसे लगता होगा, या खाने की इच्छा ही नहीं होती। पेट भरा हुआ रहने के वजह से या पेट में गैस होने के वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और पेट में दर्द होते रहता है, पेट फूलने जैसा लगता है, कभी कभी सीने में भी दर्द होने लगता है। तो ऐसी सारी पेट के गैसेस के वजह से समस्या हमें होती रहती है और इन सारी समस्याओं के लिए आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा वर्णन किया है और उसको दूर करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा नुस्खा भी बताया है और ये रिसर्च के अनुसार प्रूव भी हुआ है कि ये नुस्खा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे कितना भी पुराना पेट का गैस हो वो डेफिनेटली चला जाता है। जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पेट के गैस के लिए क्या वो नुस्खा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। आयुर्वेद में ऐसे कौन से वो प्रभावी द्रव्य है कि जिससे हमारे पेट के गैसेस दूर हो सकते हैं, तो इसके बारे में मेंशन किया हुआ है एक रिसर्च में और वो रिसर्च पब्लिश हुआ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में। इस रिसर्च में लगभग 47 पेशेंट्स लिए थे और इन 47 पेशेंट्स में एक कॉमन सिमिलैरिटी थी, यानी कि उनके सिम्टम्स। ये सारे पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनको पेट में गैसेस होते रहता था या उनके पेट में कुछ भी खाना खाने के बाद फूला हुआ जैसे उनको लगना, पेट में दर्द हो जाना, भूख का कमी हो जाना, ऐसे सारे सिम्टम्स थे। और इन पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए था लगभग 29 पेशेंट्स का और ग्रुप बी था 18 पेशेंट्स का। ये जो ग्रुप ए था ये ट्रायल ग्रुप था कि जिसमें ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हम उनको देने वाले थे, और जो 18 ग्रुप का जो पेशेंट्स था इनमें हम राइस वाटर देने वाले हैं। और राइस वाटर से या आयुर्वेदिक मेडिसिन से इन पेशेंट्स के सिम्टम्स में क्या रिलीफ आने वाला है ये हम ऑब्जर्व करने वाले थे। तो लगभग जैसे जैसे स्टडी हुआ, ये स्टडी लगभग 2 से 3 महीने के लिए चला, 3 महीने बाद जब इनका असेसमेंट किया गया तो ये जो 29 पेशेंट्स थे इनमें से 17.24% जो पेशेंट थे इनका सिम्टम्स कम्प्लीटली रिलीव हो गया, यानी कि उनमें जो पेट में जो गैसेस था वो चला गया, उनमें जो अग्निमांद्य था वो चला गया, उनमें पेट में जो दर्द था वो चला गया। उसमें से 34.40% पेशेंट्स ने कहा कि हमारे सिम्टम्स कुछ हद तक कम हुए हैं, यानी कि मॉडरेट इंप्रूवमेंट उनमें दिखाई देने लगा, और 13% पेशेंट्स ऐसे थे कि उनमें माइल्ड इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगा। और जो ग्रुप बी था कि जिनमें 18 पेशेंट्स थे उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आए, यानी कि ये प्रूव हो जाता है कि ये जो 29 पेशेंट्स को जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया गया उससे उनके अग्निमांद्य के ऊपर, पेट के गैसेस के ऊपर, पेट में जो इंडाइजेशन होता है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा असर होता है। अब आप में ये क्यूरियोसिटी पैदा हो गई होगी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है कि जिससे हमारा भी गैसेस का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें 5 बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं और इनको कॉम्बिनेशन के साथ, यस दोस्तों, इनको इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम लेते हैं तो उसका हमारे डाइजेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा असर होता है। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है पिपली। पिपली का बोटैनिकल नेम होता है पाइपर लॉन्गम। पिपली वैसे तो टेस्ट में अनुष्ण शीत होती है, यानी कि वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। पिपली जैसे ही हमारे शरीर में एंटर कर लेती है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इग्नाइट करने का, स्टिमुलेट करने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। पिपली हमारे शरीर में जो भी विकृत कफ पड़ा हुआ रहता है उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालने का काम करती है। जैसे ही हमारे आमाशय में यानी पेट में जो विकृत कफ है वो निकल जाता है तो उसी के द्वारा हमारी भूख खुलने लगती है और पेट में जितना भी गैसेस एक्सेस मात्रा में बना हुआ रहता है वो नीचे के रास्ते निकलना चालू हो जाता है। पिपली के वजह से हमारा श्वसन मार्ग में भी काफी अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है। पिपली पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर देती है जिससे कि इंसुलिन अमाइलेज लाइपेज का सिक्रेशन हमारे शरीर में बढ़ जाता है और डाइजेशन बहुत इजी लेवल पर होने लगता है।
इसमें दूसरा घटक होता है पिपली मूल। पिपली मूल जैसे ही हमारे शरीर में एंटर कर लेता है तो हमारे शरीर में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, बेसिकली गैसेस क्यों होता है, तो हमारे अमाशय में इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पड़े हुए रहते हैं वो उसी प्रकार से वहां पर फर्मेंट होते रहते हैं और उससे अमोनिया नाम का गैस पेट में तैयार होते रहता है। और इसी अमोनिया की वजह से हमें पेट फूला हुआ जैसे लगता है, मल में दुर्गंध आती है, बाहर आते समय वो काफ़ी कष्टदायक होता है या फिर डकार प्रोड्यूस कर देता है जिससे कि खट्टा तीखा पानी हमारे मुंह में आने लगता है। तो पिपली मूल का डायरेक्ट प्रभाव इस गैस के ऊपर होता है, यानी कि उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के ऊपर होता है और उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके हमारे मल के द्वारा बाहर निकालने का काम पिपली मूल करती है। इसमें तीसरा घटक होता है चव्य। चव्य का बोटानिकल नेम होता है पाइपर चाबा हंटर। बेसिकली ये जो वनस्पति होती है इसका अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला पार्ट हमारे शरीर में चला जाता है तो उससे हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस और स्टमक के वो सारे एंजाइम्स अच्छे लेवल पर बनना चालू हो जाते हैं। दोस्तों बेसिकली पेट में गैसेस क्यों होता है, तो आपकी पाचन शक्ति यानी कि ये जो जूसेस जो होते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं या फिर इन अप्रोप्रिएट क्वालिटी के बन जाते हैं और इन अप्रोप्रिएट क्वालिटी के होने की वजह से वो खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं करते, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल तैयार होते हैं कि जिससे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस, आफरापन होना, ऐसी सारी दिक्कतें होती है। चव्य ये सारा प्रॉब्लम्स दूर करके इंटेस्टाइनल जूसेस को, गैस्ट्रिक जूसेस को अच्छी तरह से सिक्रेशन तो करता ही है, उसके साथ साथ उनको सही कॉन्सेंट्रेशन में उस पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में ला कर देता है जिससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस आसानी से हो जाता है। और चव्य अगर हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में गैसेस का प्रोडक्शन ही नहीं होता, यानी कि पिपली मूल हमारे शरीर में जो एक्सेसिव गैसेस है उसको निकालने का काम करते हैं, तो चव्य हमारे शरीर में गैसेस का प्रोडक्शन कम कर देते हैं और इसी तरह से हम गैसेस से छुटकारा मिला सकते हैं। इसमें चौथा घटक होता है चित्रक। चित्रक का बोटानिकल नेम है प्लम्बैगो झिलानिका। बेसिकली हमारे पेट में जब भी गैस बनता है तो ये गैस हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जमा रहता है और इसी एक्सेसिव गैसेस का रिटेंशन हमारे शरीर में होने के वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और इसीलिए हम बोलते हैं कि पेट में दर्द होते रहता है। किसी किसी व्यक्तियों को पेट में नाभि के आजू बाजू में एरिया में दर्द होता है तो कभी कभी हमें इपिगैस्ट्रिक यानी छाती और पेट के बीच के एरिया में दर्द होता है, किसी किसी व्यक्तियों को फ्लैंक्स में दर्द होता है। तो इन सारे दर्द के पीछे का रीज़न होता है आपके पेट में गैसेस और गैसेस से होने वाली स्वेलिंग। तो ये स्वेलिंग को कम करने का सबसे बढ़िया काम करता है ये चित्रक। चित्रक जैसे हमारे शरीर में जाता है तो वहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के वजह से वहां पर आई हुई जो स्वेलिंग होती है उसको कम कर देता है। इसके साथ साथ चित्रक जब पिपली और पिपली मूल के कॉम्बिनेशन के साथ जाता है तो तीनों लेवल पर एक्शन होता है। एक मतलब गैसेस का ओवर प्रोडक्शन ना होना, गैसेस के वजह से जो स्वेलिंग आया है उसको कम होना और गैसेस पेट में जो पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम होता है। तो इन तीनों द्रव्यों के वजह से हमारे गैसेस के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें पांचवा प्रमुख द्रव्य होता है नागर। नागर का ही बोटानिकल नेम होता है जिंजिबर ऑफिशिनेलिस, यानी कि सौंठ का पाउडर। जब अबव कॉम्बिनेशन के साथ ये सौंठ का पाउडर मिक्स हो जाता है तो गैसेस हमारे शरीर से तो निकल ही जाते हैं, वात को प्राकृत दिशा मिल जाती है जिससे कि अपान वायु अच्छी तरह से बाहर निकल जाता है और फिर एक बार हमारे शरीर में जो अग्निमान्द्य है उसको दूर करने के लिए शायद आचार्यों ने इसमें नागर ऐड किया था। सौंठ पाउडर जैसे ही हमारे शरीर में चली जाती है तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ब्रेन में जो हंगर सेंटर रहता है वो हो जाता है और उसी वजह से हमारे शरीर में भूख अच्छे से लगने लगती है। जितना अच्छी मात्रा में हमें भूख लगती है तो आगे वाला खाना हम अच्छे लेवल पर खा सकते हैं और उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पिपली मूल चव्य चित्रक नागर का कॉम्बिनेशन जब हमारे पेट में जाता है तो गैसेस से रिलेटेड सारे सिम्टम्स में हमें रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। तो रिसर्च के अनुसार ये प्रूव हुआ है कि ये पांच द्रव्यों का कॉम्बिनेशन, बेसिकली पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर, अगर हम लेते हैं तो कितना भी पुराने से पुराना गैस होगा या उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार की हमें समस्या होगी तो वो दूर हो सकती है। आचार्यों ने बहुत विचार करके और अच्छे समाधान पूर्वक ये कॉम्बिनेशन बनाया होगा कि जिससे भविष्य में भी किसी को भी अगर गैस का प्रॉब्लम आता है तो वो दूर हो सकता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को लेना कैसे है, तो आपको पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर ये जो कॉम्बिनेशन है ये
सब घटक द्रव्य सम प्रमाण में लेने होते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा हमें खाने के साथ या खाने के बाद हमें लेनी चाहिए गुनगुने पानी के साथ में। दिन में 2 बार अगर हम इसको लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे पेट के गैस के ऊपर अच्छा असर होता है। चूर्ण के साथ साथ हम इसकी वटिका या गुटी भी बना सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को जब हम उससे 4 गुना पानी में उबाल लेते हैं और फिर उसको काढ़ा बनाकर सुखा लेते हैं तो उसकी बाइंडिंग एजेंट के साथ कुछ गोलियां बना सकते हैं। और ऐसी गोली की क्वांटिटी अगर हम दिन में 3 बार लेते हैं तो उससे भी हमारे गैस की दिक्कत दूर हो सकती है। तो इसी कॉम्बिनेशन की अगर गोली बन जाती है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है और इसमें बाइंडिंग एजेंट होने की वजह से वो कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से अंदर लॉक होता है, मॉइस्चर की वजह से वो खराब भी नहीं होता और हम लॉन्ग टर्म इसको यूज कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 महीनों के लिए अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो पुराने से पुराना गैसेस का आपका प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली दूर हो सकता है। अगर आपको भूख कम लगती है, आपको अग्निमान्द्य है तो वो भी इम्प्रूव हो सकता है। इसी गैसेस के वजह से अगर आपके पेट में दर्द है तो वो कम हो सकता है और इसी गैसेस के वजह से अगर आपका वजन कम हो रहा है तो कॉम्बिनेशन लेने के बाद डेफिनेटली आपको आपके वजन में भी वृद्धि दिखाई देती है। आप पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक का नागर का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो आज से इस्तेमाल कीजिए और आपका अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर पेट से रिलेटेड आपको भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप भी हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।